वैसे तो करेले की सब्जी आपने कई बार बनाई होगी, लेकिन आज मैं आपको कुछ अलग तरीके से और भी ज्यादा स्वादिष्ट चटपटी बिना कड़वा लगे करेले की सब्जी बनाना बताऊंगी, जिसे आपने पहले बिल्कुल भी नहीं बनाया होगा और जिन्हें भी परोसिएगा सब वाह वाह करते नहीं थकेंगे। और एक बार बनाना सीख लिए तो हमेशा इसी विधि से बनाइएगा। तो चलिए देखिए कैसे बनाते हैं। करेले की सब्जी बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम करेले। करेले को अच्छे से धो लिया है और दोस्तों ये करेले का जो ऊपरी भाग होता है ना, इसी में कड़वाहट होती है और कड़वाहट में ही सारी विटामिन्स होती है। तो अगर आपको कड़वा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं तो मैं आपको बता रही हूँ, इस तरीके से हल्का हल्का खुरच लीजिएगा। लेकिन जैसे आज मैं आपको बनाना बताऊंगी, बिना खुरचे ही करेले स्वादिष्ट बनेंगे। तो सबसे पहले हम पीछे का भाग और आगे का भाग काटते हुए करेले को बीचों बीच इस तरीके से काट लेते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही कच्ची बीज है, यानी कि काफी छोटी छोटी बीज है। अगर आपके करेले में मोटी मोटी बीज है तो आप बीज से गुद्दा को हटा दें और दो भागों में काटने के बाद बीज से एक और भाग कर लीजिए। काटने के बाद सबसे पहले करेले को अच्छे से धो लीजिए और अब पानी से हटा लें। और अब हम करेले में आधा छोटी चम्मच नमक इस तरीके से छिड़ देते हैं। एक बार हाथों से मिला लीजिए। नमक लगाने के बाद करेले को हमें रेस्ट पे नहीं रखना है, हम फटाफट आगे की तैयारी करते हैं। और अब एक कढ़ाई लीजिए, इसमें डाल दीजिए 2 कप पानी, फ्लेम को हाई कीजिए। और अब लीजिए 2 टमाटर, अच्छे से मैंने धो लिया है, और बीज से इस तरीके से काट के पानी में डाल दें ताकि टमाटर जल्दी से पक जाए। और साथ ही में डाल दीजिए 3 मीडियम साइज के प्याज। तो प्याज को मैंने छील लिया है और 4 भागों में इस तरीके से काटते हुए डाले। और अब इसमें जाएगा 3 से 4 लाल मिर्च। तो यहाँ पे आप चाहे तो साबुत कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, मैं नॉर्मल लाल मिर्च डाल रही हूँ जो हमारे घर में रहता है। और साथ में जाएगा 1 लहसुन। तो पूरा लहसुन को मैंने छील लिया है। करेले की सब्जी में लहसुन बहुत ही बढ़िया लगता है, इसलिए थोड़ा ज्यादा डाले। और अब कढ़ाही के ऊपर छन्नी रख दीजिए, इस तरीके की छन्नी घर में रहती है, आप जाली भी रख सकते हैं। और ये जो हमने करेले में नमक लगा के रखा था ना, इसे रख दीजिए ताकि प्याज टमाटर जब तक पके करेले भी भाप से पक जाए। ये स्टेप करने से भी करेले का कड़वापन दूर होता है। और बस मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट तक स्टीम होने दे, तब तक हम मसाला बना के तैयार करते हैं। और अब तड़का पैन लीजिए, इसमें डालिए 2 टेबल स्पून साबुत धनिया। इस करेले की सब्जी में धनिया थोड़ा ज्यादा पड़ता है और इसी से टेस्ट पड़ेगा। आधा छोटी चम्मच सौंफ डाल दें और साथ ही में डालिए 1 छोटी चम्मच जीरा। कुछ सेकंड के लिए हम तो दोस्तों धनिया पाउडर का इस्तेमाल ना करें, टेस्ट में काफी फर्क आ जाता है। तो 30 से 40 सेकंड में ही आप देखेंगे कि मसाले भुन चुके हैं, फ्लेम बंद कर दें। और अभी तड़का पैन काफी गर्म है, इसलिए कुछ हम कड़ी पत्ता डाल देते हैं ताकि गर्माहट से रोस्ट हो जाए। मसाले को साइड में रखें। 5 मिनट हो चुका है, तो देखिए सिर्फ 5 मिनट में करेले थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं। बस इससे ज्यादा हमें नहीं पकाना है, फ्लेम बंद कर दें। और अब छन्नी को बाहर निकाल लें। तो अगर आप प्याज टमाटर के साथ करेले को भी साथ में उबाल देते ना, तो करेले का बहुत सारा पौष्टिक तत्व नष्ट हो जाता। और इधर देखिए कितने अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं प्याज टमाटर, और बिल्कुल भी टमाटर फटे नहीं हैं। तो मैंने अदरक नहीं डाला, आपकी इच्छा हो तो डाल सकते हैं, स्ट्रेनर रख के छान लें। इस पानी का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, प्लेट में निकाल के थोड़ा ठंडा कर लें। और मिर्ची का डंठल हम हटा देंगे और इसके बीज को भी निकाल देंगे ताकि सब्जी ज्यादा तीखा ना हो। और दोस्तों खटास देने से करेले की सब्जी में कड़वाहट कम हो जाता है। तो अगर आप कच्चे कैरी यानी आम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो प्याज टमाटर के साथ उबाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कैरी के बदले अमचूर पाउडर डालूंगी ताकि ये सब्जी को आप सालों भर बना सके। तो 2 मिनट के ठंडा कर ले। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमने करेले को उबाला था, देखिए बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसमें हमने नमक लगाया था ना, तो बस समझिए कि करेले का कड़वापन भी निकल गया है। तो बहुत जरूरी है कि एक बार आप नॉर्मल पानी से करेले को धो लीजिए इस तरीके से, ताकि इनका एक्स्ट्रा नमक निकल जाए। और हमें हल्के हाथों से इस तरीके से करेले को दाबते हुए करेले का पानी निकाल लेना है और प्लेट में रखते। तो लगभग करेला 50% पक चुका है। मिक्सी के जार में डाल दीजिए भुने हुए मसाले। तो बाकी की चीज डालने से पहले एक बार कोर्सली ग्राइंड कर ले। तो देखिए दरदरा सा हो चुका है। और अब इसमें डाल दीजिए प्याज टमाटर। और देखिए दोस्तों मैंने मिर्च का बीज को निकाल लिया है, बिना पानी डाले पीस ले।
मसाले पीस के तैयार है और अब हम करेले की सब्जी बनाना शुरू करते हैं। तो कढ़ाई में डालिए 5 से 6 चम्मच ऑयल। तो यहाँ पे मैंने सरसों तेल का इस्तेमाल किया है। तो तेल अच्छे से गर्म हो चुका है और अब हम एक ही बार सारे करेले को डाल देते हैं। तो उलटते पलटते करेले को हमने क्रिस्प कर लिया है, तो बस 2-3 मिनट के लिए भुनना है। आप किनारों पे इस तरीके से करते हुए प्लेट में निकालने करेला, तो करेले का जो भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो वापस से कढ़ाई में गिर जाए। कितने अच्छे दिख रहे हैं। और अब बाकी जो तेल बचा है इसमें हम पहले थोड़ा सा तड़का डालेंगे। तो एक छोटा टुकड़ा दालचीनी का डाल दीजिए, बहुत ही बढ़िया टेस्ट आ जाता है। फ्लेम लो रखिएगा। 1/2 टीस्पून राई यानी काली सरसों डाल दें। 1 तेजपत्ता तोड़ के डालें। तड़के में डाल दीजिए 1/2 टीस्पून जीरा और 2 चुटकी हींग। बहुत ही थोड़ा सा, करीब 2 चुटकी कलौंजी डाल दें, टेस्ट काफ़ी बढ़ जाता है। और अब हम तुरंत डाल देते हैं प्याज टमाटर का पेस्ट। फ्लेम को हाई कीजिए। सारे मसाले को हमने भून के लिया था इसलिए बहुत ज़्यादा हमें नहीं भूनना है। अब बहुत ही थोड़ा सा हल्दी डाल देते हैं, 1/4 टीस्पून, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और नमक स्वाद अनुसार मिक्स कर लें। और अब हम ढकते हुए 2-3 मिनट के लिए पका लेते हैं। मसाले को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका है और अब हम फ्राई किए हुए करेले के साथ मसाले को भूनेंगे। साथ ही में आपकी इच्छा हो तो एक छोटा टुकड़ा गुड़ का डाल सकते हैं और इसी टाइम डाल दीजिए 1 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। तो मैं यहाँ पे अमचूर पाउडर का इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि आप 1 हफ्ते तक स्टोर कर सके। और अब हम मीडियम फ्लेम पे बीच बीच में चलाते हुए थोड़ा भून लेते हैं ताकि करेले में अच्छे से मसाला लटपट हो जाए। और मसालों के साथ दोबारा से करेले भुनाएंगे ना तो और भी ज़्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। और अब हम ढक के 5 मिनट पे पका लेते हैं, बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि करेले थोड़े सॉफ्ट हो जाए। तो देखिए 2 मिनट के लिए भून लिया है और अब आखिर में डाल दीजिए 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और साथ ही में जाएगा 1 छोटी चम्मच कसूरी मेथी। इस तरीके से मसलते हुए डालें, मिक्स कर लें। तो करेले मसालों के साथ बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं लेकिन थोड़ा सा और पकेंगे इसलिए साथ में 2-3 चम्मच पानी डाल दें, मिला लें और बिल्कुल धीमी आंच पे ढक के पकाएं। 2 से 3 मिनट और भून लिया है और देखिए कलर कितना शानदार आया है जबकि हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर भी नहीं डाला है। तो इस तरीके से करेले की चटपटी मसालेदार स्वादिष्ट सब्जी बनके तैयार है जिसे आप 1 हफ्ते तक स्टोर कर सकते हैं। तो अब हम थोड़ा प्लेट में निकाल लेते हैं। रोटी पराठे ऑफिस के टिफिन के लिए ये करेले की मसालेदार सब्जी आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। इसमें थोड़ी सब्जी हम प्लेट में निकाल लेते हैं और ऊपर से आप थोड़ी सी धनिया पत्ती डाल दीजिए। तो देखिए कितने स्वादिष्ट सब्जी दिख रही है। और बाकी जो हमने कढ़ाई में सब्जी छोड़ा है ना इसी में थोड़ा पानी डाल दीजिए। तो आप इस तरीके से भी ग्रेवी वाली करेले की सब्जी चावल दाल के साथ बना सकते हैं। तो बस 1 मिनट और हम मीडियम फ्लेम पे पका लेते हैं। तो लीजिए करी वाली करेले की चटपटी सब्जी बनके तैयार है और एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएंगे। ऊपर से मैंने थोड़ा धनिया पत्ती डाल दिया है। अब मैं फटाफट सर्व करती हूँ। तो लीजिए फर्स्ट क्लास करेले की 2 तरीके से बनी सब्जी तैयार है जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। तो रोटी पराठे चावल दाल के साथ परोसने के लिए करेले की बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी तैयार है जिसे आप मेहमानों को परोसेंगे तो वाह वाह करते नहीं थकेंगे और उंगलियां भी चाट जाएंगे।